सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बंडल के बारे में। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के अंदर कौन सा बंडल देखने को मिला, नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर हम लोग कौन सा बंडल देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कवर किया हूँ। तो वीडियो यार आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, पूरा लास्ट तक जरूर देखना, जरा सा भी इसके मत करना, नहीं तो आप लोग काफी ढेर से इन्फॉर्मेशन को मिस करने वाले हो। तो चलिए यार वीडियो को बिना देर के भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो प्लीज यार से आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ यार, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे आने वाले नेक्स्ट डायमंड रॉयल गोल्ड रॉयल के बंडल्स के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, पहली बार आ रहे हो भैया, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में लगी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, जिससे यार मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट रहते रहो। और भैया जिन्होंने मुझे अभी तक फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है, फटाफट फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि यार वहां पे मैं आप लोग के लिए कस्टम वगैरह बना के गिवे वगैरह करता रहता हूं। तो फटाफट यार फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यार हमारे फ्री फायर गेम के अंदर जितने भी रिडीम कोड वगैरह आते हैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे आप लोग को अवेलेबल कराता हूं। तो सारी लिंक यार आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप लोग को फ्री फायर के टूर्नामेंट खेलने में इंटरेस्ट है तो भाई फटाफट डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारी सारी लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखी है। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के बारे में। यहाँ पे 100% कंफर्म हो चुका है भैया कि हमारे इंडिया शो के अंदर नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के अंदर कौन सा बंडल आएगा, जो कि यार आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ये वाला बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा बंडल, जो कि यार हमारे आने वाले नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के अंदर हमारे इंडिया शो में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बंडल का पूरा मैं आप लोग को फुल रिव्यू करके भी दिखाना चाहूंगा, इसका हेड टॉप बॉटम वगैरह सब कुछ इस तरीके से देखने में लग जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सबसे मेन चीज दोस्तों इसके अंदर हम लोग को बहुत ज्यादा ओपी वाला एनिमेशन देखने को मिल जा रहा है, इसके पीछे यहाँ पे पंख वगैरह टाइप में बना हुआ है, जिसके अंदर भैया हम लोग को काफी ज्यादा ओपी वाला येलो कलर का एनिमेशन या फिर इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है, जो कि लिटरली इस बंडल को बहुत ज्यादा ओपी बना रहा है। और वैसे अगर इसके मास्क वगैरह को देख ले, पैंट वगैरह को देख ले, तो भाई उतना ज्यादा ओपी नहीं है, लेकिन इसका जो टॉप है भाई, ये टॉप जो है इस बंडल को बहुत ज्यादा ओपी लुक दे रहा है, जो कि यार हमारे आने वाले नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के अंदर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कस्टम रूम कार्ड वगैरह भी अवेलेबल कराया गया है, और अगर यहाँ पे आल प्राइस के अंदर देखते हैं भैया, तो इसके अंदर हम लोग को एक फेस प्रिंट भी अवेलेबल कराया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो ये फेस प्रिंट है वो हम लोग को इसी टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिल रहा है इस सर्वर में। और भैया इसको निकालने के लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे जो टोकन है भैया, 5 टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेल का बंडल हम लोग क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इसका फीमेल का बंडल है वो भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, फीमेल का बंडल भी आप लोग दोस्तों देख ही सकते हो स्क्रीन पर, ये वाला जो फीमेल का बंडल है ये भी हम लोग को हमारे इसी टोकन टावर इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि दोस्तों सिंपली हम लोग को 4 टोकन कलेक्ट करने के बाद क्लेम करने को मिलेगा। तो मेल और फीमेल दोनों बंडल को अगर आप लोग कंपेयर करते हो, तो एक चीज मेरे को कमेंट बताना कि भाई कौन सा बंडल आप लोग को बेस्ट लगा, मेल वाला या फिर फीमेल वाला, कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये चीज कमेंट बॉक्स में बता देना, और कौन सा निकालने वाले हो ये भी जरूर से जरूर बता देना। तो भैया हमारे इंडिया शो में आने वाले इसी 27 या फिर 28 तारीख के रिगार्डिंग भैया हमारे इंडिया शो में ये जो टोकन टावर वाला बंडल है ये हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही भयानक वाला, बहुत ही ओपी वाला यहाँ पे एक बैकपैक निकल के आया हुआ है, जो कि यार मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा और बताऊंगा वो भी कि कैसे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बैकपैक देख ही सकते हो, जो कि दोस्तों यार हमारे अदर शो के अंदर हम लोग को टॉप इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया गया, और बैक का लुक देख लो भाई, लुक यार कितना ज्यादा यहाँ पे ओपी यहाँ पे डिजाइन किया गया है, आप लोग देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पर, लेवल 1 पे भैया कुछ इस तरीके से इसका लुक वगैरह रहने वाला, जो कि यार भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 पे भैया इसके अंदर विंग्स आ जाती हैं, जो कि लिटरली ये भी ओपी होता है, और लेवल 3 में भैया इसके अंदर एनिमेशन डाल दिया जाता है, जो कि यार देख सकते हो भाई लिटरली मतलब काफी ज्यादा खतरनाक वाला एनिमेशन इसके अंदर यहाँ पे देखने में मिल जा रहा है। ये वाला जो बैकपैक है भैया ये हमारा है ईवो फेमस का। अब आप लोग बोलोगे भैया ईवो फेमस क्या, कि मैंने आप लोग को यार बहुत पहले ही दिखा के रखा हुआ है कि भाई हमारे गेम के अंदर आने वाले इसी OB30 अपडेट के बाद इवोल्यूशन फेमस हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब वो ईवो फेमस आएगी तो उसी के दौरान दोस्तों हम लोग को टॉप इवेंट के अंदर ये वाला जो बैकपैक मैंने आप लोग को दिखाया वो टॉप इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया जा सकता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। और बैकपैक की बात करें भैया तो 200 या 300 डायमंड के टॉप अप पर हमारे इंडिया शो के अंदर हम लोग को ये अवेलेबल कराया जा सकता है, जो कि देख लिया आप लोगों ने लिटरली यार काफी ज्यादा ओपी वाला वो बैकपैक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यार मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा हमारे आने वाले नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बंडल के बारे में, जो कि भैया पूरा 100% कंफर्म हो चुका है, और आप लोग स्क्रीन पर देख
खरीद सकते हो। ये वाला जो डायमंड ऑयल का बंडल है भैया, ये वाला डायमंड ऑयल का बंडल हम लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा हमारे नेक्स्ट डायमंड ऑयल के अंदर, जो कि दोस्तों यार रिसेंटली यहाँ पे हमारे कुछ सर्वर के अंदर अवेलेबल भी करा दिया गया है। और इस वाले बंडल को बताया जा रहा है कि हमारे इंडिसो के अंदर ये 100% कन्फर्म है, जो कि यार हम लोग को डायमंड ऑयल के अंदर देखने को मिलेगा। और बंडल की बात करें भैया तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक मतलब डिफरेंट टाइप का ये बंडल भाई यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर भैया हम लोग को हल्का सा एनिमेशन है मतलब चमक रहा है, मतलब ये बंडल भाई चमक रहा है ऐसा आप लोग देख ही सकते हो। इसका जो यहाँ पे मास्क था भैया वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, टॉप भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे पैंट की बात करें भैया पैंट भी बहुत ही ज़्यादा ओपी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। सूज भी बात करें तो सूज भाई सिंपल में देखने में लग जा रहा है। पूरे के पूरे बंडल की अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करते हैं तो भैया बंडल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट टाइप का है, जो कि यार आने वाले टाइम में भैया रेयर हो जाएगा, क्योंकि यार इसका जो शेप है डिज़ाइन वगैरह है ये बहुत ज़्यादा यूनिक यहाँ पे बनाया गया है। तो इसी अपने यूनिक डिज़ाइन के रिगार्डिंग भाई ये आने वाले टाइम में रेयर हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट डायमंड ऑयल के अंदर दोस्तों ये 100% कन्फर्म है। अब आप लोग बताओ भैया ये बंडल कैसा लगा और इसको निकालोगे कि नहीं निकालोगे डायमंड ऑयल के अंदर से, कमेंट करके जरूर से बताना। और कितने बाउचर हैं यार डायमंड ऑयल के, कितने बाउचर हैं आप लोग के पास इस टाइम आपकी आईडी में, ये भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना देना। मेरे पास तो भैया लगभग 11 या 12 बाउचर हैं, आप लोग के पास कितने हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के बंडल के बारे में, और उसी के साथ दोस्तों हमारा FF टोकन एक्सचेंज बंडल क्या कुछ रहने वाला वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों यार अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो फटाफट लाइक कर दो यार, क्या करते हो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर दो वीडियो को यार, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा व्यूज वगैरह डाउन है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर दो। और जिन्होंने यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लो। तो चलो यार यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे पहले गोल्ड ऑयल का बंडल, उसके बाद फिर भाई FF टोकन का क्या बंडल रहने वाला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो भैया, ये रहा हमारा गोल्ड रॉयल का बंडल, जो कि बताया जा रहा है हमारे आने वाले इस OB30 अपडेट के बाद हमारे इंडसो में अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसको यहाँ पे हमारे डाटा माइनर की तरफ से पूरा 100% कंफर्मेशन दी जा रही है। इसके बाद अभी आप लोगों को टोकन का भी दिखाऊंगा, FF टोकन का भी बंडल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले गोल्ड रॉयल का बंडल देख लो भैया, पूरा का पूरा बंडल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जा रहा है, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओपी लग रहा है भाई, देखने में बहुत ज़्यादा ओपी वाला यहाँ पे डिजाइन इसका बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि हमारा जो FF टोकन का बंडल रहने वाला है वो कैसा रहेगा, तो वो भी यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। दोस्तों यार ये जो ब्लैक कलर का बंडल है ये हमारे FF टोकन एक्सचेंज के अंदर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, और आप लोग इसको सिंपली FF टोकन को से एक्सचेंज करके क्लेम कर पाओगे। और भैया बंडल की अगर बात करें तो बंडल यार भाई सिंपल है ब्लैक कलर का, लेकिन भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी है, मतलब ठीक है ब्लैक सूट है भाई, ओपी देखने में लग रहा है ठीक है। तो ये बंडल आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, और आप लोग यार इसको FF टोकन एक्सचेंज से लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे ये भी कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर देना। और जिन भी मेरे भाइयों ने यार मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया यार याद से फॉलो कर लो, आप लोग के लिए गिवे वगैरह कर रहा हूँ डायमंड वगैरह के, तो प्लीज यार जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, फटाफट फॉलो कर लो और फेसबुक पे सब लोग आ जाओ।